पटना के सिपारा में एक अवैध तेल डिपो में सोमवार रात को भीषण आग लग गई। तेल डिपो में लगी आग इतनी भीषण थी कि चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसकी वजह से पूरी रात लोग दहशत में रहे। डिपो में लगी आग से एक के बाद एक तीन धमाके हुए, जिनकी गूंज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तेल डिपो में लगी आग तेजी से भड़की और कुछ देर में विकराल रूप धर लिया। धमाकों के साथ भड़क रही आग की लपटें 40 फीट ऊंचाई तक उठती दिखाई दी। आग का ये प्रचंड रूप देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और अपना घर छोड़कर बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर धमाका हुआ वहां पर अवैध तरीके से पेट्रोल डीजल के ड्रम रखे हुए थे। इस अवैध गोदाम में हजारों लीटर पेट्रोल डीजल जमा करके रखा गया था, जिसकी वजह से जब आग लगी तो तेल से भरे ड्रम विस्फोट के साथ हवा में उड़ने लगे। जहां आग लगी उसके पास ही कई गाड़ियां भी खड़ी थी, लेकिन गनीमत रही कि वो आग की चपेट में नहीं आई।